पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते ही शहबाज शरीफ चीन के शरण में जाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। पीएमएलएन के एक नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब और चीन की करेंगे। सऊदी अरब की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उमरा करेंगे, उसके बाद वहाँ के नेताओं से भी मिलेंगे। अब सऊदी अरब ने पिछली पाकिस्तान सरकार को बहुत डॉलर दिए थे। रियाद ने इमरान खान की सरकार को 6 बिलियन अमरीकी डॉलर का बेल आउट पैकेज भी दिया था। सऊदी अरब दौरे के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने खास रिश्तेदार चीन की यात्रा करेंगे। शहबाज शरीफ की इमेज चाइनीज नेताओं के सामने बहुत अच्छी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जब पीएमएलएन की सरकार थी तब सीपैक, जो चाइना की पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको रफ्तार देने में शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा हाथ था। और अब वैसे भी पाकिस्तान को चाइना के अलावा कोई पूछ नहीं रहा है, मगर अब धीरे धीरे चाइना भी सीपैक से अपना हाथ पीछे खींच रहा है। लगता है चाइनीज़ को पता लग गया है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आए रोज़ पाकिस्तान में चाइनीज़ इंजीनियर और वर्कर्स पर अटैक होते रहते हैं, तो शायद चाइना को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ को जाना ज़रूरी था। और उधर दूसरी तरफ चौकीदार चोरे के नारे से गुस्साई पाकिस्तानी सेना इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है। दरअसल अपने खिलाफ लगाए गए नारों से पाकिस्तानी सेना काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी ने दावा किया है कि सेना को बदनाम करने के लिए कुछ लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पाकिस्तान के ISPR ने एक बयान में कहा, एक फोरम ने पाकिस्तानी सेना को बदनाम करने और आर्मी और पाकिस्तानी जनता के बीच फूट डालने की कोशिश की है। अब पाकिस्तानी आर्मी का इशारा इमरान खान के ऊपर ही था, क्योंकि जनरल बाजवा और इमरान खान बहुत सी बातों पर एक पेज पे नहीं थे। दोनों के आपसी विवाद पूरी दुनिया के मीडिया में आ गए थे। इमरान खान की पार्टी PTI के नेता शेख रशीद ने पंजाब में इमरान खान को हटाने के खिलाफ एक रैली में चौकीदार चौरे का नारा लगाया था, जिसे पाकिस्तान आर्मी ने अपने दिल पर ले लिया है। ये नारे हज़ारों लोगों की भीड़ के सामने लगाए गए थे। अब ये सब सुनकर पाकिस्तानी आर्मी का पारा चढ़ा हुआ है और कभी भी इमरान खान के ऊपर मुसीबत आ सकती है।